नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पांडवों ने क्यों खाया था अपने मृत पिता के शरीर का मांस। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे। नकुल तथा सहदेव मातृ के पुत्र थे। यह 5 पुत्र पांडु और उनकी पत्नियों द्वारा भगवान का आवाहन करने पर प्राप्त हुए थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पुराण कोश में। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे और उन्हें शेयर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पांडु के मन में यह बात थी कि उनके 5 पुत्र उन्हें भगवान के आवाहन से प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनमें पांडु जैसा ज्ञान व कौशल नहीं आ पाया था। इसलिए पांडु ने अपनी मृत्यु से पहले यह वरदान मांगा था कि उनके 5 पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि पांडु का ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। इसलिए जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट कर ही खाया था। माना जाता है कि पांडु के शरीर के मांस का ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था, इसलिए उसे सबसे अधिक ज्ञान था। जबकि एक अन्य मान्यता यह है, सहदेव ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। जब सहदेव ने पहला टुकड़ा खाया तो सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरा टुकड़ा खाते ही सहदेव को भविष्य का ज्ञान हो गया था। महाभारत में श्री कृष्ण के अलावा सहदेव ही केवल एकमात्र शख्स थे जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थीं। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को ना बता दे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को शाप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।